अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट किया हुआ है। अब तक हमने टू बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया था और फिर हमने लिपिड्स को डिस्कस किया था। आज हम थर्ड बायोमोलिक्यूल जो कि प्रोटीन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन जो है ये काफ़ी सारे अमीनो एसिड से मिलके बनती है, या आप कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। The word protein is derived from a Greek word proteus, which means first place. Proteins किन एटम्स से मिलके बनी होती है? वो मिलके बनी होती है कार्बन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम सल्फर्स। ज़्यादातर सेल्स के अंदर मोर देन 50% ऑफ ट्राइवेट जो है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन हैं। हर अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं COOH। एक अमीनो ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं NH2। एक हाइड्रोजन एटम होती है और एक R ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं साइड चेन। ईच अमीनो एसिड कंटेन अ कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन एंड अ साइड चेन R ग्रुप। ये सब के सब अटैच होते हैं एक सेंट्रल कार्बन के साथ जिसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। दे ऑल आर अटैच टू अ सेंट्रल कार्बन कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जो है ये एसिमेट्रिक कार्बन है एंड दिस एसिमेट्रिक कार्बन जो है ये अटैच होती है विद फोर डिफरेंट कोवलेंट पार्टनर, जिसमें आ जाते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन और साइड चेन। जो आर ग्रुप है इसको हम साइड चेन बोलते हैं। जो नेचर होती है आर चेन की वो डिटरमिन करती है प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमीनो एसिड। अगर यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन एटम अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन, या इस आर चेन के साथ एक स्केल्टन ऑफ कार्बन भी अटैच हो सकता है जिसके साथ वेरियस फंक्शन ग्रुप भी अटैच होते हैं, जैसा कि ग्लूटामेट, एस्पार्टेट वगैरह होते हैं, तो उस वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बनता है। तो आप कह सकते हैं आर ग्रुप इज कॉल्ड साइड चेन। द नेचर ऑफ आर ग्रुप डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच अमीनो एसिड। इट मे बी अ सिंगल हाइड्रोजन एटम एज इन ग्लाइसिन, और इट मे कंटेन अ कार्बन स्केल्टन विद वेरियस फंक्शन ग्रुप्स आर अटैच सच एज एस्पार्टेट, ग्लूटामेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स की मेनोसाइक्लिक डिवीजन। अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आर ग्रुप। कौन कौन से टाइप्स हैं? एक को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, दूसरे को कहते हैं हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। Those amino acids which contain non-polar side chain are called hydrophobic amino acid. Example यहाँ आपको discuss की गई हैं ग्लाइसिन, एलानिन, वलाइन, ल्यूसिन, एसोल्यूसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलिन। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप और हाइड्रोजन सेम हैं, जबकि फ़र्क कहाँ पे आता है? आर ग्रुप के अंदर, जो कि ग्लाइसिन के अंदर हाइड्रोजन है, एलानिन के अंदर CH3 है, जबकि विलाइन के अंदर CH3 है। तो इस तरह ये आर ग्रुप की बेस पे अमीनो एसिड की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो पढ़ी अमीनो एसिड की वो हमने पढ़ी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट टाइप है हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। दीज अमीनो एसिड कंटेन अ पोलर साइड चेन, फॉर एग्जाम्पल सीरीन, थेरोनिन, सिस्टीन, टेरोसिन, अस्पार्जीन एंड ग्लूटामिन। हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स को फर्दर टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, एसिडिक अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड।
एसटी कंपाउंड में सर क्या होते हैं, दियर साइड चेन इज जनरली नेगेटिवली इन चार्ज, फॉर एग्जाम्पल एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। बेसिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, दियर साइड चेन इज जनरली पॉजिटिव इन चार्ज, इसकी एग्जाम्पल कौन सी आती हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। नेक्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड। यहाँ आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड। इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इससे जो बॉन्ड बनता है रिजल्टिंग CONH बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा टू अमीनो एसिड के दरमियान बनता है और ये एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के दरमियान बनता है। इस प्रोसेस में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और जो रिजल्टिंग पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो बनता है CONH, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब टाइप्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। टू अमीनो एसिड बॉन्ड्स टू फॉर्म डाइपेप्टाइड, इट मींस टू अमीनो एसिड जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड। इसी तरह थ्री बॉन्डेड अमीनो एसिड फॉर्म आर ट्राइपेप्टाइड। नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड, मैनी अमीनो एसिड बॉन्ड्स टू फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी स्ट्रक्चर की बेस पे प्रोटीन को टू कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है। वो कौन सी कैटेगरीज हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। जो फाइब्रस प्रोटीन है, ये प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रस। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज़रा इम्पॉर्टेंट होता है, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ प्रोटीन का, जो जिसमें हम प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। तो फाइब्रस प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। फाइब्रस प्रोटीन का एक और नाम है स्क्लेरोप्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन ज़्यादातर जो होती हैं वो एनिमल्स के ही अंदर ही पाई जाती हैं, वो एनिमल प्रोटीन ही कहा जाता है इनको। फाइब्रस प्रोटीन रॉड और वायर लाइक शेप में होती हैं, ये ज़्यादातर स्ट्रक्चरल और स्टोरेज प्रोटीन के तौर पे कंसिडर की जाती हैं। फाइब्रस प्रोटीन इक्वस मीडिया के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं और ये नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं एज वेल एज इलास्टिक इन नेचर होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल आ जाती है सिल्क फाइबर, जो कि सिल्क वर्म के अंदर होती है, मायोसिन ऐसी प्रोटीन जो कि मसल्स में होती है, फाइब्रिन ऐसी प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है, और कैरेटिन ऐसी प्रोटीन जो कि नेल्स और हेयर्स के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं कैरेटिन। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये प्रोटीन स्फेरिकल और एलिप्सोडियल होती है ड्यू टू दी मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इस तरह फाइब्रस प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो ज़रा इंपॉर्टेंट होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन को हम स्फीरोप्रोटीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं ये इक्वस मीडिया के अंदर सॉल्युबल होती हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन थी वो क्या थी, वो नॉन क्रिस्टलाइज थी, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन के क्या है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। अब ग्लोबुलर प्रोटीन किस तरह एक्ट करती हैं, दे कैन एक्ट एज एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन, अमीनोग्लोबिन, अल्फा बीटा एंड गामा ग्लोबिन्स एज वेल एज स्टॉक ऑफ अमीनो एसिड्स। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है, प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है,
अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन देखी, उसके बाद हमने देखा कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, उसके बाद हमने इसकी टू कैटेगरीज या टू टाइप्स पढ़ी। कल हम इंशाल्लाह लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन को डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही ये थर्ड बायोमोलेक्यूल हमारा कल ख़त्म हो जाएगा। सो तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।